हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो 1980 दिस ईयर में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट बना था, वो एक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब उस एक्ट में क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। An act to provide for the conservation of forest and for matters connected therewith. तो ये एक ऐसा एक्ट है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था एंड उनके साथ रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब इस एक्ट में है। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के साथ जो सब मैटर्स और रिलेटेड होता है वो सब इस एक्ट के अंदर है। बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 31 ईयर ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 31 ईयर के बाद ये एक एक्ट बनाया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर, जो पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव किया है। दिस एक्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये एक्ट हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इस नाम से हम जानते हैं इसे। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच हैज इट्स ओन स्टेट एक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है। तो ये जो 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये पूरे इंडिया के ऊपर ही ये मतलब लागू होता है। कौन कौन से स्टेट को छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर इस स्टेट को छोड़ के पूरा इंडिया के ऊपर ये कंजर्वेशन एक्ट जो है ये लागू होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिनका खुद का एक एक्ट है, जो उस एक्ट के द्वारा ही वो स्टेट चलता है, इसलिए और कोई एक्ट यहाँ पे काम नहीं करता है। तो ये जो एक्ट बनाया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये पूरे इंडिया के ऊपर ही ये काम करता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव कम इन टू फोर्स ऑन द 25th ऑफ अक्टूबर 1980। तो 1980 का 25th ऑफ अक्टूबर में ये जो है ये एक्ट काम करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? एक तो ये जो एक्ट है ये मेनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर है एंड उनसे रिलेटेड जो जो सब चीजें हैं वो सब इस एक्ट में है। एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 31 ईयर के बाद ये पार्लियामेंट में ये पब्लिश हुआ है, मतलब पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव किया है एंड पब्लिश किया है। एंड ये जम्मू एंड कश्मीर इस स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया के ऊपर ही ये काम करता है। अब आते हैं, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड विद ए व्यू टू चेक डीफॉरेस्टेशन व्हिच हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री ऑन ए लार्ज स्केल एंड व्हिच हैड कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड दस लेड टू एनवायरमेंटल डिटोरिएशन। तो यहाँ पे मेनली इस एक्ट मतलब ये एक्ट जो है ये क्यों बनाया गया था? बहुत सारे ऐसे चेक किया गया है बहुत सारे जगह को जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पेड़ पौधे ये सब कट हो रहा है एंड उनके अकॉर्डिंग जितना जो अफॉरेस्टेशन करना है, मतलब पेड़ पौधे लगाना है, वो नहीं हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड उनके साथ साथ जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो हो रहा है बहुत ज़्यादा। बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हम देख पा रहे हैं, एनवायरमेंट डिटोरिएट कर रहा है, ये सब बहुत दिन से चेक किया गया है। उनके बाद इन सब काम के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इट सिंपली एम एट पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। मेनली रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है इस एक्ट में, मतलब आप कौन से काम के लिए फॉरेस्ट को यूज कर सकोगे, कौन सा फॉरेस्ट रिजर्वेशन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, कौन सा फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट के पर्पस यूज कर पाओगे, मतलब कौन कौन सी क्राइटेरिया के द्वारा आप उस फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करोगे। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इस एक्ट में आए हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर दिया गया है एंड लोगों के ऊपर दिया गया है। तो इट सिंपली एम एट पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो जितना फॉरेस्ट जो है रिजर्व नहीं है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लाया गया है एंड रिजर्व फॉरेस्ट उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लाया गया है। एंड फॉरेस्ट लैंड को हम बहुत सारे काम के लिए, नॉन फॉरेस्ट
काम के लिए, जैसे इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, इन सब काम के लिए हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा करके, एंड उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाया गया है, मतलब कौन कौन सी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम उस फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज यूज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे चीजें इस एक्ट में है। तो ये एक्ट मेनली क्यों बनाया गया है, बहुत सारे दिन से चेक किया गया है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ये सब कट हो रहा है, बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, एंड एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रख के ये एक्ट बनाया गया है, मेनली इन सब काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लाया गया है इस एक्ट में, वो हम देखते हैं यहाँ पे। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डील विद रेस्ट्रिक्शन ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो एक्ट का जो सेक्शन 2 जो है वहाँ पे ही मेनली ये रेस्ट्रिक्शन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट का रिजर्वेशन वो एंड फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो, इन सब के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं वो सेक्शन 2 के अंदर है। ठीक है, इट प्रोवाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन ए स्टेट, नो स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल मेक एक्सेप्ट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट के ऊपर कोई फॉरेस्ट रिलेटेड आपको काम करना है, मतलब कोई ऑर्डर आपको देना है फॉरेस्ट रिलेटेड, तो कोई भी लॉ में कुछ भी हो, तो वो स्टेट के ऊपर जब आप काम करोगे तो कोई स्टेट और कोई अथॉरिटी जो भी कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट प्रोवाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन स्टेट, बट मतलब कोई भी लॉ में कुछ भी हो, फिर भी जब स्टेट में वो काम करने का टाइम आएगा, स्टेट और अदर अथॉरिटी जो भी हो जो वो काम करेगा, तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है कि वो कर रहा है, एंड कौन कौन सी चीज़ के ऊपर वो अप्रूवल लेना है वो अब यहाँ पे है। एनी ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट एनी रिजर्व फॉरेस्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ शैल सीज टू बी रिजर्व। तो कोई जो रिजर्व फॉरेस्ट है पहले से, उनको आप रिजर्व फॉरेस्ट अब नहीं मान रहे हो, सीज्ड कर रहे हो एज ए रिजर्व, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। जो रिजर्व फॉरेस्ट को आप और रिजर्व नहीं कर रहे हो, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के लिस्ट से उनको हटा रहे हो, तो उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। दैट एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ मे बी यूज्ड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पज। तो कोई भी फॉरेस्ट लैंड हो वो अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज होता है, उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। नेक्स्ट क्या है, दैट एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ मे बी असाइंड बाय वे ऑफ लीज और अदरवाइज टू एनी प्राइवेट पर्सन और टू एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, एजेंसी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओन मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, जब कोई एक फॉरेस्ट लैंड को आप लीज दे रहे हो, ठीक है, किसी को भी आप दे सकते हो, जैसे कोई प्राइवेट पर्सन, कोई अथॉरिटी, कोई कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, कोई एजेंसी हो सकते हैं, सबके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। अगर आप दोगे के नहीं वो लीज उस पर्सन को, उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। दैट एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ मे बी क्लियर्ड ऑफ ट्रीज व्हिच हैव ग्रोन नेचुरली इन दैट लैंड और पोर्शन फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई एक प्लेस समझो, कोई एक प्लेस है वहाँ पे नेचुरली कोई पेड़ पौधे ये सब ग्रो किया है, बट उस जगह को आप रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्ट करना चाहते हो, मतलब वो खाली एरिया था, नेचुरली कोई पेड़ पौधे वहाँ पे ग्रो किया है, बट उस खाली एरिया को आप फॉरेस्ट से कवर करना चाहते हो, मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे लगाना चाहते हो, तब वो नेचुरली जो ग्रो किया हुआ पेड़ पौधे है उनको कट करना है कि नहीं, उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। ठीक है, मतलब उस एरिया को रिफॉरेस्टेशन के पर्पस यूज करने के लिए, मतलब सिर्फ रिफॉरेस्टेशन के पर्पस अगर आप यूज करना चाहते हो तो, ठीक है, मतलब कोई खाली एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो किया है, बट वो पहले तो खाली एरिया ही था, उस खाली एरिया को आप रिफॉरेस्टेशन के लिए यूज करना चाहते हो, पेड़ पौधे लगाना चाहते हो, बट उस एरिया को आप नेचुरली ग्रोन जो पेड़ पौधे है उनको कट करोगे कि नहीं, उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है।
ये सभी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो यहाँ पे मेनली क्या कह गए हैं इस पार्ट में, सेक्शन 2 जो है एक्ट का, वहाँ पे ही मेनली ये रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, इनके बारे में कह गए हैं सेक्शन 2 में ही। यहाँ पे मेनली क्या कहा है, स्टेट में अगर कोई काम करना हो, कोई एक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। एंड कौन कौन से पर्पस में उनको अप्रूवल लेना है वो सब यहाँ पे है। जैसे कोई रिजर्व फॉरेस्ट था पहले, उनको अब हम रिजर्व फॉरेस्ट के लिस्ट से निकल रहे हैं, सीज कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। एंड कोई भी फॉरेस्ट लैंड को अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस यूज करना चाहते हो, कोई भी काम के लिए, जैसे इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, इन सब काम के लिए, तो उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोई फॉरेस्ट लैंड को अगर आप लीज देना चाहते हो, कोई भी एजेंसी, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, कोई भी प्राइवेट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई काम के लिए वो लीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। एंड कोई ऐसा लैंड जो पहले खाली था, वहां पे नेचुरली ग्रो किया है बहुत सारे पेड़ पौधे, बट उस जगह को आप पेड़ पौधे लगा के फॉरेस्ट्री बनाना चाहते हो, फॉरेस्ट बनाना चाहते हो, रिफॉरेस्टेशन करना चाहते हो उस जगह को, उनके लिए आप वो नेचुरली ग्रोन जो पेड़ पौधे हैं उनको आप कट करोगे कि नहीं, उनके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। तो ये सब है रिस्ट्रिक्शन जो डी रिजर्वेशन एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है इस एक्ट में। नेक्स्ट क्या है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस। नॉन फॉरेस्ट पर्पस मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ ऑफ क्लियरिंग और एनी फॉरेस्ट लैंड और पोर्शन दे आर ऑफ फॉर, मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पस मतलब क्या है, कोई एक फॉरेस्ट लैंड जिनको आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट पेड़ पौधे ये सब काट करके आप क्लियर कर रहे हो, किस किस काम के लिए आप ये नॉन फॉरेस्ट पर्पस मतलब किस किस काम के लिए वो यूज कर सकते हो, द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफी, स्पाइसेस, रबर, पाम्स, ऑयल बियरिंग प्लांट, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप, मेडिसिनल प्लांट, इन सब के लिए नॉन फॉरेस्ट पर्पस आप यूज कर रहे हो कि नहीं वो, एंड एनी पर्पस अदर देन रिफॉरेस्टेशन डज नॉट इंक्लूड एनी वर्क, मतलब ये सब जो यहाँ पे अब जो पॉइंट है इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, रिलेटेड टू कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब रिस्ट्रिक्शन के अंदर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ ये सब, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट, द लाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, सॉरी ये स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज एंड कालवर्ट, डैम, वाटर होल्स, बाउंड्री मार्क, पाइपलाइन और अदर पर्पस जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ और पर्पस, इन सब काम के लिए आप नॉन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट एरिया को यूज कर पाओगे कि नहीं, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंदर क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, मेनली नॉन फॉरेस्ट जो रिफॉरेस्टेशन को छोड़ के और जो जो काम है वो सभी है नॉन फॉरेस्ट पर्पस, एंड कल्टिवेशन के लिए मेनली नॉन फॉरेस्ट पर्पस आप कल्टिवेट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिया गए हैं, एंड इंक्लूड नहीं किया गया है ये सब जो चेक पोस्ट ये सब हम एस्टैब्लिश करते हैं, लाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, इन सब के लिए तो हमको कोई भी एरिया लग सकता है, कोई एक जगह को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको बनाना है उन सब जगह पे, तो इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट क्या है, अपील टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सेक्शन 2A, एनी पर्सन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है ये हम और एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर और डिसीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी मेड अंडर सेक्शन 2 ऑन और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, कोई पर्सन अगर कोई ऑर्डर और डिसीशन जो स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं जो सेक्शन 2 के अंदर है, सेक्शन 2 मतलब क्या है जो हमने अभी पिछले दो स्लाइड में डिस्कस किया, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन एंड यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, वो सेक्शन 2 एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर है, तो सेक्शन 2 में जो सब डिसीशन एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से हो रहा है वो अगर कोई पर्सन ना मानना चाहे, ठीक है, एग्रीव्ड बाई एनी एन ऑर्डर मतलब कोई पर्सन अगर वो ना मानना चाहे, एंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, मतलब ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो 2010 में बनाया है उनके शुरू होने के बाद भी अगर नहीं मानना चाहे, मे फाइल एन अपील टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो इनके लिए आप एक फाइल अपील कर सकते हो इस ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आप एक अपील कर सकते हो एक फाइल जो प्रोविजन ऑफ एक्ट के अंदर ही है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर ही है, तो कोई पर्सन अगर
ये जो एक्ट में है, सेक्शन 2 के एक्ट में है, जो स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक एंड कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन वो नहीं मानना चाहे तो आप फाइल अपील कर सकते हो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, जो इस एक्ट के प्रोविजन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी। तो एडवाइजरी कमिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो वो कैसे बनता है यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट मे डीम फिट टू एडवाइज दैट गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमिटी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके इन सब पर्पस। तो मतलब अगर इन सब पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आगे कोई अपील आए जो सेक्शन 2 के अंदर है, वहाँ पे क्या कह गए हैं, जो स्टेट कोई अगर एक्शन लेना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल लेना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए अगर कोई फाइल वहाँ पे आए तो पहले वो एडवाइजरी कमिटी को ही देगा, वो कुछ एडवाइस करेगा, उनके ऊपर बेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जो इस पर्पस काम करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो इनके ऊपर विचार करेंगे, ये सब देखेंगे, इनका जो असलियत है वो चेक करेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद गवर्नमेंट को उनके ऊपर एडवाइस देंगे। द ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 के अंदर अप्रूव होना चाहिए, एनी अदर मैटर कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट व्हिच मे बी रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी मैटर हो सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के कनेक्टेड, कोई भी मैटर हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एडवाइजरी कमिटी को रेफर करे कि आप हमें एडवाइस दो इसके लिए। यहाँ पे अगर रेफर करेंगे कोई भी मैटर के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड हो, तो उनके ऊपर ये एडवाइजरी कमिटी जो है काम करेंगे एंड एडवाइस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा एडवाइजरी कमिटी बनाया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जो इस पर्पस काम करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड जो सब मतलब मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगा वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेफर करेंगे तो उनके ऊपर ये उनका विचार करेंगे, देखेंगे असलियत क्या क्या है, ये सब चेक करेंगे, उनके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एडवाइस करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये एडवाइजरी कमिटी का काम क्या है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट में जो जो चीजें हैं उनको अगर आप उल्लंघन करते हो, मतलब नहीं मानते हो, तो उनके लिए पेनल्टी क्या क्या होगा वो भी है यहाँ पे। Whoever contravenes the contravention or any of the provision of the section 2 shall be punishable with simple imprisonment for a period which may extend to 15 days. तो एक्ट फर्स्ट तो ये है कि कोई भी अगर ये सेक्शन 2 के अंदर जो जो रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं उनको अगर नहीं मानना चाहे तो उनके लिए उनको जेल हो सकते हैं एक्सटेंडेड टू 15 डेज, मतलब 15 डेज तक का एक पूरा जेल उनका उनको हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग पेनल्टी है, जैसे ऑफेंसेस बाय अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटी उनको अगर दोषी देखा जाए यहाँ पे, उनका अगर ऑफेंस हो तो वहाँ पे क्या क्या होगा, वेयर एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट हैज बिन कमिटेड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी हो सकते हैं इन सबसे ही मतलब गलतियाँ हो सकते हैं, बाय एनी अथॉरिटी और एवरी पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू, सॉरी ये इन चार्ज होगा, इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू शैल बी डिमिट टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लियबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक लाइन यहाँ पे है, तो इनका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑफेंस इस एक्ट के अंदर कोई भी कर सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को कर सकते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी कोई पर्सन जो उस वक्त वो ऑफेंस हो रहा था, उस वक्त जो जो पर्सन वहाँ पे कनेक्टेड था उस ऑफेंस के अंदर, वो सभी यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा एंड उनके अगेंस्ट अगेंस्ट आपको पनिशमेंट क्या कितना मतलब गलतियां है वो आपको सोच विचार करना है, उनके बाद पनिशमेंट डिसाइड होगा। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पे पनिशमेंट है कोई भी अगर गलतियां करे तो।
नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंगली हाउ एवर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन रेफर टू अबव शैल नॉट बी लियबल टू एनी पनिशमेंट. मतलब कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कोई भी पर्सन जो हमने अभी कहा, अगर उस ऑफेंस के अंदर वो कनेक्टेड है तो उनके लिए पनिशमेंट का तो व्यवस्थाएं है. अगर ये प्रूफ कर पाए कोई भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई लोग हो और कोई भी पर्सन जो हो उस वक्त कनेक्टेड था, वो अगर प्रूफ कर पाए ये जो यहाँ पे है 1 और 2 पॉइंट में, तब उनको पनिशमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो वो क्या क्या है, द ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज. अगर वो प्रूफ कर पाए कि वो उसको पता नहीं था, उनके नॉलेज के विदाउट ही वो ऑफेंस जो है वहाँ पे हो गया है. ही एक्सरसाइज्ड ऑल डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, एंड वो उस ऑफेंस को मतलब प्रिवेंट करने के लिए बहुत कुछ किया था उस वक्त. वो अगर ये सब प्रूफ कर पाए तो उसको पनिशमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे मेनली क्या क्या है पहले से देखते हैं. तो पेनाल्टी में मेन क्या है, जब कोई भी इस सेक्शन 2 का जो एक्ट है उनको अगर नहीं मानना चाहे तो प्राइमरीली उनको जेल होगा 15 डेज के लिए. एंड ऑफेंस अगर देखा जाए कि क्या क्या ऑफेंस किया है तब अलग पनिशमेंट होगा. जैसे कोई भी हो सकते हैं इस ऑफेंस के अंदर, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट का कोई भी लोग, एवरी पर्सन जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था एंड कनेक्टेड था उस ऑफेंस के साथ, सभी यहाँ पे पनिश्ड होगा. ठीक है, तो अगर कोई लोग ऐसा होता है जो वो उस वक्त प्रूफ कर पाए कि उसके नॉलेज के बिना ही वो ऑफेंस जो है वहाँ पे हो गया था और उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो उस वक्त बहुत सारी चीज़ किए थे, जैसे उन्होंने मना किया था नहीं करने के लिए और भी बहुत लीगल एक्टिविटी किए थे, फिर भी वो ऑफेंस बाकी लोग जो है वो किए हैं, ये अगर वो प्रूफ कर पाए तो उनको पनिश नहीं होगा. जब ये प्रूफ होगा कि वो ऑफेंस किया है तब क्या क्या पनिशमेंट है वो हम देखते हैं अभी. वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी और एनी पर्सन, कोई भी हो सकते हैं जब उस वक्त कनेक्टेड था उस काम के लिए, दैट द ऑफेंस इज कमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्टी ऑफ एनी ऑफिसर अदर देन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी पर्सन, देन सच ऑफिसर ऑफ पर्सन शैल ऑल्सो बी डिमिट टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस एंड शैल बी लियबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. अगर ये प्रूव हो जाए कि कोई भी पर्सन नेग्लिजेंसी के वजह से ही वो जो है ऑफेंस हो गया है एंड विथ हिज नॉलेज वो ऑफेंस हो गया है एंड जानबूझ के वो ऑफेंस किया गया है, इन सब अगर प्रूव हो जाए तो उनके अगेंस्ट पनिशमेंट का मतलब जो है केस प्रोसीड होगा एंड पनिशमेंट वो मिलेगा उनको. तो यहाँ पे पेनल्टी में आपको समझ में आ गया, प्राइमरीली जेल होगा एंड 15 डेज के लिए हो सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी हो सकते हैं जो ऑफेंस करे तो उनको पेनल्टी मिलेगा, जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, कोई भी अथॉरिटी हो, एवरी पर्सन जो उस वक्त कनेक्टेड था, सबके लिए पनिशमेंट के व्यवस्थाएं है यहाँ पे. अगर कोई लोग ये प्रूफ कर पाए कि उनके नॉलेज के बिना ही वहाँ पे वो ऑफेंस हो गया था एंड वो ऑफेंस जब हो रहा था वो उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज वहाँ पे किया है, मना किया है एंड बहुत लीगल एक्टिविटी वहाँ पे किया है कि ऑफेंस ना हो, ये सब अगर वो प्रूफ कर पाए तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो ही गिल्टी है, उनके नेग्लिजेंसी के वजह से ही वहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है एंड जानबूझ के ये ऑफेंस किया गया है, तो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनके लिए पनिशमेंट के व्यवस्थाएं यहाँ पे है. तो ये है मतलब जिस्ट इस पॉइंट का, पेनाल्टी का. पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो यहाँ पे सेक्शन 4 में ये दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि ये प्रोविजन ऑफ एक्ट को मतलब कंटिन्यू करने के लिए जो पावर रूल ये सब बनाए उनके लिए यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 4 में. एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज व्हिच मे बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और 2 और 3 मोर कोई भी सक्सेसिव सेशन, इनमें ये जो है ये एक्ट जो है ये काम करना स्टार्ट करेगा. तो एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर जो जो रूल बनाया गया है तो कब ये फोर्स में आएगा, मतलब कब ये काम करना स्टार्ट करेगा, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है 30 डेज का जो सेशन होता है, तो 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन आप ले सकते हो इस एक्ट को
रूल में बदलने के लिए, मतलब इस एक्ट को काम की तरफ यूज करने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड जुडिशियल एटीट्यूड। इन इंडिया द जुडिशियरी हैज शोन डीप कंसर्न फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो इंडिया में जुडिशियरी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हर वक्त जो है कंसर्न दिखाया है, मतलब काम किया है इनके ऊपर। द जुडिशियरी प्लेड अ पिवोटल रोल इन ए मैनर टू इंटरप्रेट द फॉरेस्ट लॉ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमेशा प्ले किए है कि फॉरेस्ट का ये जो लॉ है उनके द्वारा ही फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, लॉ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज करे। तो इनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द जुडिशियरी शोन जुडिशियल एक्टिविज्म बाई एंटरटेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अगर कुछ ऐसा काम होता है कि ये लॉ माना नहीं जा रहा है तो ये लिटिगेशन कर सकते हैं आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट व्हाइल प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव डिलीवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट इन सब के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे पेश किए हैं। एंड ये जुडिशियरी जो है वो भी यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट पेश किए हैं। तो ये है पूरा कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो कंजर्वेशन एक्ट 1980 में मेनली हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पे जिस्ट करके बताएंगे, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा पूरा। सबसे पहले क्या है, किस काम के लिए ये बना, मतलब कौन कौन से स्टेट के ऊपर ये लागू होता है, जैसे पूरे इंडिया के ऊपर ये काम करते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पूरे इंडिया के ऊपर ये काम करते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये मेनली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड उनके रिलेटेड मैटर के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। बहुत सारे दिन ये चेक हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, एनवायरमेंटल जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल मतलब घट रहा है, एनवायरमेंट डिटोरिएट कर रहा है, इन सब पर्पस के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एंड मेनली बहुत सारे काम के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर मेनली सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन है रिलेटेड टू डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। इनके ऊपर पूरा रेस्ट्रिक्शन इस सेक्शन 2 के अंदर है। मैंने सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी और एक बार मैं बोल रही हूँ, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर काम करना चाहे, कोई ऑर्डर डिसीशन ये सब करना चाहे, उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल लेना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है किस किस काम के लिए, कोई रिजर्व फॉरेस्ट को अगर सीज करना चाहे उनके लिए, कोई फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस यूज करना चाहे उनके लिए, एंड कोई भी फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए लीज देना चाहे उनके लिए, एंड नेचुरली ग्रोन कोई पेड़ पौधे को अगर आप कट करना चाहते हो रिफॉरेस्टेशन के लिए, उनके लिए आपको उनका परमिशन लेना है। नेक्स्ट नॉन फॉरेस्ट पर्पस, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस मतलब कल्टीवेशन के लिए आप कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पे कहे गए हैं, एंड रिफॉरेस्टेशन को छोड़ के और जो जो काम होता है वो सब मतलब वो सभी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंदर है। बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कुछ काम, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट लाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, इन सब रिलेटेड जो काम होता है इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर कोई भी ये सेक्शन 2 का जो रूल है, जो एक्ट है, इनको अगर मानना नहीं चाहते हैं तो वो उनके लिए फाइल अपील कर सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, ठीक है, वो भी इस एक्ट के अंदर है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमिटी यहाँ पे बनाएगा, मतलब बनाए हैं जिन जो इन सब के ऊपर एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को करे, अगर कोई भी फाइल कंजर्वेशन रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कमेटी को रेफर करते हैं तो वो इनके ऊपर सोच विचार करेंगे एंड एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। पेनाल्टी भी यहाँ पे है इस प्रोविजन को, अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो उनके लिए पेनाल्टी हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दिया है और मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट करके कह सकते हो, ठीक है। एंड जुडिशियल जो एटीट्यूड है, जुडिशियरी जो है इंडिया का, उनका क्या रोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए है। आई थिंक इस एक्ट को आपको समझ में आ गया है। मेनली सेक्शन 2 का जो रेस्ट्रिक्शन है वो ही मेन है इस एक्ट में, जो अगर कोई उल्लंघन करे तो पनिशमेंट होगा उनके लिए। जो है एडवाइजरी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, जुडिशियरी जो है उनका जो रोल है वो भी उस सेक्शन 2 एक्ट के लिए ही है। तो वो एक्ट ही है मेन यहाँ का 1980 कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।